अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी खैरियत वाफियत में रखे। आज हम थोड़ा अपने सोसाइटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। बात यह हूँ कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे कश्मीर में। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे जो यूथ हैं वो खराफातों की तरह लगे हैं। कोई अभी कल मैं वीडियो रिसेंटली देख रहा था, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हमारे पास जॉब होती है हम उसमें बिज़ी रहते हैं, इवन छोटी जॉब क्यों ना हो हम उसमें बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं फिर हमारा माइंड खराफातों की तरफ लगता है। अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, ये प्रॉब्लम बन जाता हमारे अपने परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी। कि फिर जो भी देखता है हम गलत काम कर रहे हैं वो भी इसकी तरफ फिर मुतवज्जा होता हो जाता है कि मैं भी ऐसा ही काम करूँगा क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले तो हमें गलत कामों से बचना चाहिए। उसमें हमारी फैमिली भी खुश रहेगी और अल्लाह भी खुश रहेगा, और दूसरों को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचनी चाहिए उससे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास कोई छोटी जॉब ना क्यों नहीं मिल जाए, हम तब उसमें अपना टाइम स्पेंड करें, हमारा माइंड उसमें बिजी रहे, ताकि हम अपने फैमिली को भी खुश रखें और उससे हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अगर कोई छोटी सी जॉब क्यों ना हो, वो हलाल की हो, उसमें हमें अपने आप को भी सुकून मिलता है और दूसरों को भी हम खुश रख सकते हैं उसमें। मान लो कि अभी हम यहाँ की बात, मैं अभी सऊदी में आऊँ, हम यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पे इवन आजकल फीमेल जो लेडीज़ हैं वो जॉब कर रही है, क्योंकि उनको जॉब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक सो, आपको मालूम होगा यहाँ पे हर एक बोलता है पैसा है, बट यहाँ पे अगर पैसा है फिर वो जॉब क्यों कर रही है? यही है कि वो अपने आप को बिज़ी रखना चाहती है। क्योंकि हम फैमिली को साइड में रख के अपनी बात करेंगे, अराउंड 100-150 एक पर्सन को अपने लिए खर्चा हो जाता है। जब एक रुपये भी कमाई नहीं हुई वो 100 रुपीज़ कहाँ से आ जाएगा? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर हमारी फैमिली, फिर अगर कोई शादीशुदा है उसके बच्चे, उसकी बीवी, यही हमें आजकल इसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, और कोई भी काम क्यों ना हो, ऐसा छोटा सा क्यों काम ना हो, हमें उसकी तरफ लगना चाहिए और अपना काम अपने मन से करना चाहिए। बाकी अल्लाह पे भरोसा रख के हमें आगे उस काम को अंजाम देना चाहिए, ताकि ये जो सोसाइटी में अभी खराफात हो रहे हैं हम इसकी वजह से इनकी तरफ ना हो जाए, बच जाए इनसे। कोई ड्रग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे आज तक ऑलमोस्ट हम अपने यूथ की बात करें, अभी बहुत सारे हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस अता करे, जो भी पिछले कई दिनों से बहुत सारे हार्ट अटैक हो चुके हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था। अल्लाह उन सबको मगफिरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र व जमील अता करे। इसकी वजह से हमें फिर बहुत सारी मुश्किलात उठाने पड़ते हैं, ताकि हम आगे जैसे हमारे पास जॉब कुछ हम करते रहेंगे, हमारे को तकलीफ हो जाते हैं समटाइम। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमें उसमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, फिर अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ आगे रास्ते खोल देता है। बाकी हमें अपने जैसे हमारे दोस्त हैं उनसे भी हमें उनको भी इनक्रेज करना चाहिए, आप ये करो, आप वो करो, ताकि हम अपने जो भी खराफात हैं उनसे बच रहे। बाकी हमारी कश्मीर की बात करें, हमें जितना भी जैसे हमें अच्छा सा जॉब, प्राइवेट जॉब ढूंढना चाहिए, हमें उसमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो हमारा माइंड है वो उसमें थोड़ा बिजी रहेगा। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे, हमारा माइंड बिजी रहे, मेरे पास जॉब नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूँगा, इंसान इसी में सोचता रहता है, अब मेरे को क्या हो जाएगा। विदाउट एनी वर्क हम पता नहीं किस किस के बारे में सोचते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चला जाते हैं। कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम फैमिली को भी उठाना पड़ता है, अपने आप को भी फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारे कश्मीर में छोटी छोटी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम है, वो फिर सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं। जैसे यहाँ रूल्स हैं,
हर फर्स्ट सेकंड को सैलरी आ जाती है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, अगर सैलरी आप रिसीव नहीं करोगे, यहाँ पे लेबर लॉ होता है, वहाँ पे आप जाओगे, आप वहाँ पे सबमिट कोई कंप्लेन सबमिट करोगे, मुझे सैलरी नहीं मिली। हमारे कश्मीर में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपको कभी भी आपको 2 महीने 3 महीने के बाद सैलरी मिलती है, ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। अगर मेरा ये कोई वीडियो देख रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी देख रहा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके पास जॉब कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी, क्योंकि वो अपने घर चलाने के लिए जॉब करते हैं, प्लीज़ उनको ये जो सैलरी होती है, ये उनने अपनी मेहनत से कमाए होते हैं, उनको महीने के एंड में दीजिए, ताकि वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, वो अपने मन से काम करेंगे। बाकी ये हमारे जो यूथ है, बस हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, वो ड्रग की तरफ ना लगे, अपने काम में बिजी रहे, जितना भी उनसे हो पाएगा वो कर सके। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।